दोस्तों कैसे हैं आप सब, स्वागत है आपका शर्मा जी के रिव्यूज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इस लैपटॉप की जो है अनबॉक्सिंग दिखाने जा रहा हूं। यह है दोस्तों रोग सीरीज का स्ट्रिक्स कार 2 लैपटॉप, जिसका जो मॉडल नंबर है वो है GL504GV। दोस्तों ये है दोस्तों एसुस की तरफ से लैपटॉप, और यहाँ पे ये जो है काफ़ी बढ़िया यहाँ पे जो है लैपटॉप है इसकी, यहाँ पे जो मैं आपको आज अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। दोस्तों ये है एक गेमिंग लैपटॉप, अगर आप एक तगड़े गेमर तो आपके लिए ये लैपटॉप जो है वो दी बेस्ट रहेगा। हालांकि इसका यार प्राइस जो है वो हल्का सा जो है ज़्यादा है, क्योंकि आपको यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छी अच्छी यहाँ पे जो है चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों सारी चीज़ें बताता हूँ, सबसे पहले साथ साथ में इसको जो है हम कर लेते हैं अनबॉक्स। तो यहाँ पे ऐसे दोस्तों अटैची टाइप हमें ये जो है वो बॉक्स मिलता है। अगर मैं आपको दिखाऊँ साइड पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मॉडल नंबर वगैरह लिखा हुआ है यहाँ पे, और इस साइड जो है कुछ कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। तो इस साइड जो कॉन्फ़िगरेशन लिखी है वो बता देता हूँ कि GL504G इसका जो है वो मॉडल नंबर है। गन मेटल डिज़ाइन में ये जो है वो आता है। 15.6 इंच की आपको यहाँ पे जो है फुल HD रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है। VRAM आपको यहाँ पे जो है तगड़ी 6GB की जो है देखने को मिलती है। प्रोसेसर आपको इंटेल का i7 8th Gen प्रोसेसर यहाँ पे जो है देखने को मिलता है। काफ़ी तगड़ी यहाँ पे दोस्तों स्पेसिफिकेशन हैं। अभी जो है इसको जो है एक बार अनबॉक्स कर लेते हैं, बाकी जो है चीज़ें जो है आपको साथ साथ में बताता रहूँगा। तो ऐसे यहाँ पे कुछ बॉक्स आता है, और अब जो है इसको खोलते हैं और बोलते हैं दोस्तों क्या खुल जा सिम। तो ऐसे अटैची टाइप ये बॉक्स में दोस्तों आता है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो है वो बॉक्स है। और उसके बाद यहाँ पे पड़ा हुआ है लैपटॉप एक अच्छी कवरिंग में। दोस्तों यहाँ पे एक बार इसको जो है हम साइड पे निकाल के रख लेते हैं और देख लेते हैं कि और क्या क्या मिलता है। सबसे पहले तो यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स और है, जिसमें ये कुछ यूज़र मैनुअल्स वगैरह आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसको रख देते हैं हम साइड पे। इसके अलावा यहाँ पे दो जो है बॉक्स और हैं छोटे छोटे। यहाँ पे जो है आपको पावर केबल मिलती है, और यहाँ पे जो है वो अडेप्टर मिलता है। तो यहाँ पे एज सच और जो है वो यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे आ गया है हमारे पास रोग स्ट्रिक्स कार 2 लैपटॉप। इसमें आपको जो NVIDIA का RTX 2060 जो है GPU दोस्तों देखने को मिलता है, काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस वाला। तो ये है दोस्तों इसकी फर्स्ट लुक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो है वो रोग का जो लोगो है एक तरीके से एग्रेसिव टाइप, तो यहाँ पे आपको ये दिखता है। और साथ ही साथ अगर ओवरऑल आपको डिज़ाइन दिखाऊं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे जो अट्रैक्टिव डिज़ाइन आपको मिलता है। आपको यहाँ पे जो है गन मेटल ब्रश मेटल टाइप आपको यहाँ पे जो है डिज़ाइन मिलता है। हालांकि ये जो है प्लास्टिक है दोस्तों। और उसके बाद ओवरऑल आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे जो है कीबोर्ड वगैरह कितना अच्छा मिलता है। प्लेसमेंट यहाँ पे है कीज़ की काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पे जो स्पेसिंग आपको मिलती है बींग अ गेमर, आपको यहाँ पे जो स्पेसिंग मिलती है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिलती है। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ यहाँ पे जो है कीबोर्ड दोस्तों मिलता है, NVIDIA का GeForce RTX आपको यहाँ पे जो GPU देखने को मिलता है, इंटेल का i7 8th Gen आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिएगा दोस्तों आपको 144Hz की जो है वो आपको रिफ्रेश रेट मिलती है, और साथ ही साथ 3 मिलीसेकंड का आपको यहाँ पे जो है वो रिस्पांस टाइम देखने को मिलता है। कमाल की बात है यार, यहाँ पे भी आपको जो है रॉक का जो है वो लोगो देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको जो है वो कैमरा देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों बेजल्स की, तो बेजल्स यहाँ पे आप देखिएगा कितने यहाँ पे जो पतले आपको यहाँ पे जो बीजल्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसके बैक साइड की, तो यहाँ पे दोस्तों आपको बैक साइड में दिखाता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे जो है बैक साइड पे दोस्तों मिलता है। तो प्रॉपर यहाँ पे जो है हीट डिसिपेशन के लिए, वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे जो है स्पेस मिलती है। इसका ओवरऑल दोस्तों जो वेट है वो है करीब 2.4 kgs, क्योंकि ये गेमिंग लैपटॉप है तो इसलिए इसको जो है थोड़ा माफ़ कर सकते हैं, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप यार हैवी होते हैं। तो जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे ऑन किया और ये हो गया है दोस्तों स्टार्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं बढ़िया यहाँ पे जो है आपको RGB लाइटिंग देखने को मिलती है, ऐसा स्टार्टिंग में जो है वो लोगो। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिएगा दोस्तों यहाँ पे भी आपको लाइट बार जो है वो देखने को मिलती है, ये यार काफ़ी अच्छी लगती है लाइट बार। मैं आपको दिखाता हूँ पास से एक बार, ऐसी आपको यहाँ पे जो है वो लाइट बार यहाँ पे जो है वो देखने को मिलती है। दोस्तों अगर बात करूँ दोस्तों बीजल्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीजल्स आपको यहाँ पे जो काफ़ी मिनिमम मिलते हैं। एक कैमरा की प्लेसमेंट जो है शायद बीजल्स के कारण ही वहाँ पे कर दी, बट कैमरा की प्लेसमेंट जो है वो थोड़ा अटपटी लगती है। कैमरा नॉर्मली यहीं पे ही होता है ज़्यादातर जो मैंने लैपटॉप्स देखे हैं, तो ये फर्स्ट लैपटॉप है जिसका मैंने कैमरा जो है वो यहाँ पे देखा दोस्तों। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे जो है फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली आपको यहाँ पे जो डिस्प्ले देखने को मिलती है, 15.6 इंच की आपको यहाँ पे जो डिस्प्ले देखने को मिलती है। बीजल्स आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो मिनिमम
मिनिमल मिलते हैं इसमें। और यहाँ पे ये लैपटॉप है दोस्तों ऑरा लाइटिंग के साथ आता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको लाइटिंग यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छी मिलती है। यहाँ पे भी आपको लाइटिंग मिलती है, फ्रंट में भी आपको जो है वो बार मिलता है, और यहाँ पे भी आपको यहाँ पे जो है लाइटिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये भी जो है इसका भी कलर जो है वो चेंज होता रहता है। अब दोस्तों मैं बात करूं, अगर मैं साइड पे आपको दिखाऊं इसमें पोर्ट्स आपको कौन कौन से मिलते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों लेफ्ट साइड की, तो आपको यहाँ पे जो है चार्जिंग पोर्ट मिलता है, आपको यहाँ पे जो है वो लैन पोर्ट मिलता है, मिनी एचडीएमआई आपको यहाँ पे जो है मिलता है, फिर यहाँ पे आपको एक और जो है एचडीएमआई मिलता है, यूएसबी आपको 3.1 पोर्ट्स यहाँ पे जो है देखने को मिलते हैं, यूएसबी टाइप सी 3.1 मिलता है, फिर यहाँ पे आपको जो है 3.5 का ऑडियो जैक मिलता है, और यहाँ पे आप देखेंगे आपको यहाँ पे जो है स्पीकर्स भी जो है वो देखने को मिलते हैं दोस्तों। और अगर बात करूँ फ्रंट वाली साइड, तो यहाँ पे फ्रंट वाली साइड आपको यहाँ पे जो है वो एसूस जो है लिखा मिलता है, और यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है देखने को। और बात करूँ दोस्तों अगर राइट साइड की, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जो कैनिंगस्टन लॉक मिलता है, हीट डिसिपेशन के लिए यहाँ पे जो है स्पेस मिलती है, यूएसबी 3.1 मिलता है, मेमोरी कार्ड रीडर भी मिलता है, और यहाँ पे दोस्तों एक और यहाँ पे जो है स्पीकर ग्रिल यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिलती है। तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिलता है एसूस के ROG Strix Scar 2 लैपटॉप में। यहाँ पे दोस्तों ये स्कार सीरीज का जो है वो दूसरा यहाँ पे जो है लैपटॉप है, 164,000 में आपको यहाँ पे ये जो लैपटॉप है देखने को मिलता है। 1 TB जो है आपको यहाँ पे जो है वो हार्ड डिस्क मिलती है 256 GB की, आपको यहाँ पे जो है SSID जो है वो PCI स्टोरेज यहाँ पे जो है वो देखने को मिलती है। और ये जो मटेरियल है दोस्तों वो एक तरीके से इस पे जो है एंटी स्क्रैच टाइप, और यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि थंब के जो प्रिंट्स हैं वो भी नहीं चपते, तो काफ़ी अच्छा ये जो है वो मटेरियल है। ब्रश मेटल आपको यहाँ पे जो वो डिज़ाइन ओवरऑल देखने को मिलता है, और सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पे जो है ये जो लाइटिंग और साइड में ये जो लाइट बार है ये जो है काफ़ी अच्छी लगी। हालांकि इसको जो है आप ऐसे जो है वो कंट्रोल कर सकते हो, अगर आपने बंद करना है तो यहाँ पे आप बंद भी कर सकते हो, या फिर आपने बढ़ाना है तो वो आप बढ़ा भी सकते हो। तो ये हो गया बंद, और ये बढ़ा दिया हमने। इसके अलग अलग जो है वो लेवल्स हैं, वो भी आप जो है सेट कर सकते हैं दोस्तों। बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया, ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूं और कोई। तो यहां पे दोस्तों ये जो है 4K में यहां पे जो है वीडियो चल रही है, कलर्स यहाँ पे जो है काफ़ी पंची आते हैं। यहाँ पे एक्चुअली मैं कैमरा में चाहे उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट लिटरली यहाँ पे जो है इसके कलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है रिच कलर्स आपको यहाँ पे जो है दिखाई देते हैं दोस्तों। तो ऐसा कुछ है इस लैपटॉप में, और आप मुझे कमेंट करके नीचे बताइएगा कि आप जो है और कौन कौन सा इसका जो है रिव्यू देखना चाहते हो, गेमिंग रिव्यू देखना चाहते हो या फिर आप फुल रिव्यू देखना चाहते हो। उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना, तभी आपको मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेंगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।